गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसके चर्चे और किस्से देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। इसी विश्व प्रसिद्ध मंदिर की तर्ज पर काशी के विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण की प्लानिंग केंद्र सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार ने शुरू की। कवायद शुरू होने के लगभग 1.5 साल बीतने के बाद प्रदेश सरकार ने इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे पर इस काम को तेज करते हुए खरीदे गए भवनों को गिराए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने खरीदे गए लगभग 145 भवनों को जब गिराना शुरू किया तो इसके मलबे के कारण इलाके के लोगों को परेशानी होने लगी। हाल ये है कि विश्वनाथ मंदिर जाने वाला लगभग हर रास्ता गिराए गए भवनों के मलबे से पटा हुआ है और इसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारे लोग इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मतलब इस तरह कार्य थोड़ी होता है कि आप मकानों को गिरा के रास्ते को बंद कर दीजिए। आप इधर यात्री से इधर से जा रहे हैं तो फिर उधर भी बंद है, उधर जा रहे हैं तो उधर गंदगी है, तो किधर? बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूटी लेके, 15 दिन से नहीं जा पा रहे हैं। लड़कियाँ हैं स्कूल नहीं जा पा रही, इस रास्ते से बताइए कैसे जाएंगी, स्कूटी से ऊपर बंद पड़ी है। वहीं इस पूरे मामले में जब ईटीवी की टीम ने मुख्य कार्यपाल अधिकारी विशाल सिंह से बात की तो उन्होंने लोगों से क्षमा मांगी। मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं उन सभी निवासियों और तीर्थयात्रियों से जिनको परेशानी हो रही है, लेकिन इसमें मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि परिवर्तन शायद हमेशा थोड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि रात को काम खत्म, सुबह काम खत्म होता है जब, तो सारी गलियों से मलबे को साफ कर दिया जाए। और तो बहुत ही कठिन और दुरूह परिस्थितियों में हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो इस कार्य को करें। तो मेरी ऐसे सभी दर्शनार्थियों से और यहाँ के स्थानीय निवासियों से अपील है कि थोड़ा कष्ट है लेकिन इसमें हमारा सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें। भले ही जो भी दलीलें दी जा रही हो, लेकिन सच तो ये है कि मंदिर विस्तारीकरण के तहत किए जा रहे काम से यहाँ आने वाले भक्तों और स्थानीय लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गलियों में होने की वजह से मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है अगर काम हो रहा है तो बिना परेशानी के होना चाहिए, ताकि जो स्थानीय लोग हैं वह आराम से अपने घरों में रह सकें, दर्शनार्थी मंदिरों में दर्शन कर सकें और दिक्कत किसी को भी ना हो। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।